ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਸੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 10-15, कभी तो पूरे हो जाते हैं, 20 है हमारे पास, 20 रजाए गद्दे तो 20 पूरे हो जाते हैं, फुल हो जाते हैं। जैसे कि आज पूरा फुल हो चुका है और मैक्सिमम तो होता है 14-15 एंट्री होती है। इस बार सारे ये अपने जो लेबर लूबर क्लास के हैं वही है इस बार, ये अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि अपने मास्क मुक्स है प्रॉपर तरीके से और उनका टेम्परेचर नापा जाता है और बाकी वो सैनिटाइज़र वगैरह करके इंटरेस्ट होते हैं। फैसिलिटीज तो हीटर लगा रखे हैं, रजाई गद्दे सारा कुछ है और अपना क्या है वाटर भी है, सुविधा है, CCTV भी लगा रखा हुआ है। तो वैसे ही लगा रखा है कि कल को कोई रात को हरकत ना हो, तो इसके लिए कल को कोई हो जाता है तो इनकेस, तो उसके लिए फुटेज है हमारे पास, सारा कुछ है। बहुत सहूलियत है हमारे को, ये हमारे को तकिया है, रजाई गद्दे है और बिस्तरा सुविधा है, बहुत हीटर है जी, हमारे कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है। यहाँ पे लेबर के काम करते हैं, मेरे को सुविधा दी है प्रशासन ने। मैं UP से आया हूँ, बरेली से PGI में दिखाने के लिए। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है चंडीगढ़ की और यहाँ पर काफ़ी, अगर ये नहीं होता तो शायद सड़क पर लेटना पड़ता, इतनी ठंड है इतनी आज कि बस बता नहीं सकते। ये ठंड में इतना बहुत बड़ी राहत है ये, जिससे अब यहाँ गद्दा मिल रहा है, रजाई मिल रही है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है मैडम। ठंड से बच गए हम लोग, नहीं तो मरीज के साथ हम लोगों की भी हालत ख़राब हो जाती। मेरी सिस्टर भी आई हुई है, उनकी माता जी भी है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ प्रशासन वालों बनाए गए रैन बसेरे लोगों के लिए एक वड्डी राहत है, क्योंकि इस ठंड मौसम के लोगों को काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा सहूलियत मिलती है। ठंड बहुत ज़्यादा है, धुंध पै रही है, तुम देख सकते हो, तुहानू विजुअल्स भी एक बार दिखा दें कि किवें जिहड़ा इत्थे विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा घट है चंडीगढ़ के, तो धुंध करके ज़्यादा ठंड हो रही है, तो इस करके ये जिहड़े नाइट शैल्टर्स है लोगों को इस तो जिहड़ी काफ़ी राहत महसूस होंदी है। चंडीगढ़ तो ETV भारत के लिए पूजा वर्मा की रिपोर्ट।